दोस्तों, आज हम बनाने वाले रसमलाई और उसके लिए हमें चाहिए दूध, मिल्क मेड, शक्कर, इलायची पाउडर, सूजी, केसर और ड्राई फ्रूट। दूध हमें उबालना है। ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है, तो इसे हम अच्छे से उबालेंगे। मैं गैस पे रखती हूँ दूध को। दूध को अच्छे से उबाल के गैस बंद कर दीजिए। दूध हमारा उबल चुका है, अभी मैं गैस को बंद करूंगी और इसे ठंडा होने देने हैं हमें, थोड़ा ठंडा, ज्यादा नहीं। अभी मैं इसमें से दूध निकालूंगी एक कटोरी में, थोड़ा सा। और इसमें हम केसर मिलाएंगे। थोड़ा सा केसर लीजिए और इसमें दूध में पहले से मिला के रख देंगे, तो इसका कलर अच्छे से हो जाएगा। ज़्यादा देर भीगेगा तो हमें रस मलाई में इसका जो कलर है अच्छा मिलेगा। दूध थोड़ा ठंडा हुआ है, हल्का ठंडा, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमको थोड़ा कम रखना है जब हम छेना बनाएंगे। तो ये मैंने एक नींबू दूध में डाल के इसे दूध को फाड़ा है। इसे रात भर मैंने ढक कर रखा है और अभी ये दूध मैं इसमें डालूँगी। फटा हुआ दूध है, इसमें हमारा छेना अच्छा बनेगा ऐसे से करेंगे तो। अभी इसे मैं धीरे धीरे करके डाल दूंगी पूरा। अब देख सकते हैं चेंज हो रहा है और हम इसे अभी ठंडा करने रख देंगे। इसी तरह से ये दूध फट जाएगा और फिर हम इसे छानेंगे। दूध फट चुका है, देख सकते हैं आप, छेना हमारा बन गया है। अभी मैं इसे छानूंगी, ये ठंडा हो चुका है। हम छन्नी लेंगे और एक वाइट कपड़ा रखेंगे इस तरह से और हम इसे हम छानेंगे। इस तरह से जाली को उठाएंगे और इसे हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद कपड़े को ढकेंगे इस तरह से और इसे हम पंच करेंगे, जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। हमें ये पंच करने का, क्योंकि छेने में पानी नहीं रहना चाहिए तो हमारी मलाई बन नहीं सकेंगी, टूट जाएंगी। इसको छानने के बाद हम इसे इस तरह से रख के, कुछ वज़न वाली चीज़ रखना है हमें, ये रख के हमें आधे घंटे तक इसी तरह से वेट करना है जब तक पानी ना निकल जाए। अभी हमें रस मलाई का रस बनाना है, तो मैंने इसमें एक लीटर दूध लिया है। मैं इसे बॉईल करने रखूँगी, इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे, उसके बाद गैस को कम रखेंगे। दूध हमारा उबल चुका है, अभी हम गैस को कम करेंगे और इसे हम चम्मच से इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि दूध को हमें पका पका के आधा करना है, तो बीच बीच में चम्मच को चलाते रहिए और गैस को कम रख के इसे पकाइए। आधा घंटा हो चुका है, मैं अभी ये हटा लूँगी और देखेंगे इस तरीके से छेना हमारा तैयार हो चुका है। कपड़े से इसे हटाएंगे, एक्स्ट्रा जो है वो भी ले लेंगे और अब हम इसे इस तरह से इसे हम मसलेंगे। इसमें मैं मिलाऊंगी
आइस शुगर एक चम्मच और आधा, इसे मिक्स करना है। और इसमें मिलाऊंगी मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, हल्का सा हमें खुशबू के लिए, जो मलाई बनेगी तो उसमें भी खुशबू आ जाए। इलायची पाउडर ऐड करूंगी और इसे हमें मसलना है अच्छे से। और मैं मिलाऊंगी इसमें सूजी, ये मैंने एक चम्मच ली हूँ तो इसमें ऐड करूंगी। और हमें ये आटे को अच्छे से मिक्स करना है, ये जो मलाई है ये हमें लगातार इसे इस तरह से हमें मलना है ताकि हमारी मलाई फटे ना और अच्छे से बन जाए। लगातार आपको 20 मिनट तक इसे इस तरह से पंच करना है। छेना हमारा तैयार है, इस तरीके से हमें करना है। ध्यान रखिए पूरा चिकना होना चाहिए। अभी इसे मैं इस तरीके से करके इसके गोले बनाने हैं हमें, ये मैं कट करूंगी। इस तरीके से छोटे छोटे गोले बनाने, क्योंकि ये पानी में अभी बॉईल होगा तो ये फूल जाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरे छेने के गोले बनाएंगे। दूध हमारा पक के आधा हो चुका है, इस तरीके से हमें पकाना है। अभी मैं इसमें इलायची पाउडर मिलाऊंगी, ये मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर इसमें ऐड करूंगी। फिर इसमें अब हम ड्राई फ्रूट मिलाएंगे, ये मैंने बारीक कट करके रखी हूँ, बादाम काजू और पिस्ता, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। और इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे हम। मैंने टोप रखी हूँ बॉईल करने, पानी है इसमें तो मुझे मलाई जो है वो इसमें पकानी है। तो इसमें मैं मिलाऊंगी शक्कर, शक्कर का पाउडर है इसमें ऐड करूंगी पूरे 2 चम्मच। मिक्स करूंगी और पानी बॉईल होने के बाद ही आप जो मलाई है वो डाल दीजिए इसमें अच्छे से। हमारा पानी बॉईल हो चुका है, अभी ये जो मलाई है इसे इस तरीके से पंच कीजिए हल्के से और इसे पानी में डालिए। अभी हम गैस को कम करेंगे और इसे ढक्कन से ढकेंगे, ये कम आंच में इसे पकाएंगे कम से कम 10 मिनट तक। 2 मिनट हो चुके हैं, अभी दूध पक चुका है, जो ड्राई फ्रूट डाली थी मैंने वो भी पक चुके हैं। अभी मैं इसमें केसर का दूध डालूंगी, ये मैंने पहले भिगा के रखा था, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। और बाकी का मैं ये रख दूंगी मलाई के ऊपर डालने के लिए, इसे मिक्स करूंगी। और हमें गैस को अभी बंद करना है और जो ये मसाला दूध है उसे ठंडा करना है। गैस को बंद कीजिए। 10 मिनट हो चुके हैं, मैं देखूंगी अभी मलाई हमारी पक गई है कि नहीं। मलाई पक चुकी है अच्छे से। अभी गैस को हम बंद करेंगे और इसे ढक्कन से ढक के रखेंगे 10 मिनट तक। और दूध हमारा ठंडा हो चुका है, अभी मैं इसमें मिल्कमेट मिलाऊंगी, क्योंकि गर्म दूध में मिल्कमेट नहीं मिलाना है ना तो दूध फट जाएगा। तो इसमें मैं मिल्कमेट ऐड करूंगी, ये मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्कमेट लिया है। मिक्स करूंगी
अब अपने हिसाब से डालिए, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो मीठा ज़्यादा डालिए, कम खाते तो कम डालिए। अभी इसे हम फ्रिज में रखेंगे ये दूध को ठंडा होने के लिए। दस मिनट हो गए, अभी ये मलाई में निकालूंगी, इस तरीके से निकालना है हमें। एक जाली में रखना है, इसका जो पानी है वो निकल गया है इसी तरीके से। हमें इस तरीके से इसे पंच करना है। थोड़ा गर्म है, और फिर हमें इसे ये जो मैंने केसर का दूध है मैं इसमें डालूंगी। इसे हमें फ्रीजर में 10 मिनट के लिए इसे ठंडा करना है। हमारा दूध भी ठंडा हो चुका है और ये मलाई भी ठंडी हो चुकी है। हमेशा याद रखिए, जब भी रसमलाई बनाएंगे तो दूध भी ठंडा चाहिए, मलाई भी ठंडी चाहिए। अभी मैं इसमें मिलाऊंगी मलाई को। और मैंने इसमें कोई भी कलर नहीं मिला है आर्टिफिशियल, जो मलाई में मिलाते हैं, मैंने केसर ही डाला है इसमें। इसे कम से कम 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी रसमलाई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।